बाढ़ सात जिला पंचायत क्षेत्र को जो बाढ़ सात है, वीर सागर एक तो नाम ही अद्भुत है। जब हमने इतने के लोगों से जानने की कोशिश करी तो पता चलो कि ओरछा नरेश जो वीर सिंह जूदेव जी हते, कृष्ण भक्त थे, उनने राधा कृष्ण को एक अद्भुत मंदिर बनवाओ। तो ये मंदिर के बारे में या कही जात के ओरछा को जो चतुर्भुज मंदिर है उससे भी पुरानो इतने एक मंदिर है। सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर जो दिख रहे हैं खंडर टाइप के, उके नीचे राधा कृष्ण मंदिर है। बहुत पुराना अद्भुत मंदिर है वीर सिंह जूदेव ने चतुर्भुज मंदिर से पहले इतने वीर सागर में जो मंदिर बनवाओ। तो लेकिन इके संगे संगे इतने बात करें, बात बही हुई है इतने की स्थानीय समस्याओं को लेकर बात हुई है। पहले जो जनप्रतिनिधि रह गए उनने का कछु काम करे इस क्षेत्र के लाने, उनको का स्थिति है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट का है, और जो तमाम प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें। शुरुआत ई तरफ चाचा से करें। चाचा, ई गांव की प्रमुख समस्याएं काका हैं, काका काम हो गए इन 5-7 सालों में? 5 साल में जो जिलाध्यक्ष जिला का चुनाव हुआ पिछला, उसमें एक कुशवाहा जी बने सदस्य से, उनने 5 साल में कुछ नहीं किया है, इसलिए अब की फिर से ये चुनाव हुआ है। इसमें हम सब लोग भरत यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, छाता का चिन्ह है उनका, और इसलिए हम उनको कम से कम यहाँ से 60% जीत दिलाएंगे। इस पूरे गांव की कितनी वोटिंग है, कौन कौन सी जात बरादरी के लोग रहते हैं इस गांव में? यादव हैं, पूरी वोटिंग है 1342 वोट, और इसमें यादव रहते हैं, अहरबार रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, एक बकरी उसमें बड़ी ठाक रजक की है, और बाड़े भी हैं इसमें, सैन्य भी हैं इसमें, ढीमर समाज भी है इसमें, सब समाज हैं हमारे यहाँ। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज़्यादा वोट किस जाति के हैं? यादवों की है वोट। यादवों के बाद? यादवों के बाद है फिर हरजनों की है। अच्छा, अभी आपने बताया कि हम भरत यादव को 60% वोट देंगे, सबसे ज़्यादा यादव हैं आप ही की जाति से, एक और प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिला पंचायत के, पुष्पेंद्र यादव, उनकी क्या पोजीशन है? पुष्पेंद्र यादव को तो यहाँ से मिलेंगे, तो थोड़ी बहुत पुष्पेंद्र को मिलेंगे, थोड़े बहुत गजराज भी यहाँ के हैं, तो थोड़ी बहुत उनको भी वोट मिलेंगे। गजराज इसी गाँव के हैं? गजराज इसी गाँव के। जिला पंचायत का चुनाव? जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बहू लड़ रही हैं, हाँ, जयंती देवी। गजराज किस जाति से बिलोंग करते हैं? हाँ, वे जान गजराज यादव ही हैं। गजराज भी यादव हैं? हाँ, गजराज भी। तीन यादव चुनावी मैदान में? तीन यादव चुनावी मैदान में है, और यहाँ तीन पंडित हैंगे, तीन कुशवाहा हैं चुनावी मैदान में। हाँ, तो यहाँ यादव जाति का क्या कुछ रहेगा? गजराज भी हैं सामने, पुष्पेंद्र भी हैं, भरत भी हैं। यादव जाति का सब में ज्यादा रहेगा भरत के लिए, इनके, हाँ, भरत बनिया ने दूसरे नंबर पे आएगा गजराज का, तीसरा नंबर रहेगा यहाँ यादवों में पुष्पेंद्र का। हाँ, अच्छा, गजराज यहीं के निवासी हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, इसके बाद भी गजराज को इतना सपोर्ट नहीं, भरत को इतना क्यों सपोर्ट है? भरत को इसका उसका व्यवहार अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, उसको कभी भी अपन कहीं भी बुलाओगे तो वो वहाँ अपने आधी रात पे खड़ा होता है, और इनका अगर इनके दरवाजे कोई जाएगा तो जी अपने को गेट ही नहीं खोलते हैं। यादव जाति के कितने वोट हैं चाचा? यादव जाति के वोट यहाँ होंगे कम से कम 800 वोट। 800 में से यदि एक अनुमान लगाया जाए तो भरत को कितने मिलेंगे, गजराज को कितने मिलेंगे और पुष्पेंद्र को कितने मिलेंगे? इसमें से भरत को मिलेंगे यादवों में से 400-450 वोट। हाँ, और बाकी मिलेंगे सबको। हाँ, यहाँ की स्थिति है। चाचा हैं, चाचा, इस गांव में आप क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं, क्या क्या समस्याएं? तो बोल लिया, हमारी तो कछु नहीं है, ठीक है, समस्याएं कुछ नहीं। हाँ, भरत यहाँ सही है, भरत सही है। गजराज को क्यों पसंद नहीं कर रहे हो? का पसंद को क्या करें, अब कछु करा में तो है, ठीक है, और मिले तो उन्हें भी मिले, ऐसा नहीं है। हाँ, भैया हैं, भैया आपका क्या नाम है? अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी, गजराज को इस गांव से कितने परसेंट वोट मिलने की उम्मीद है? भाई 20% वोट मिले उन्हें। 20%? हाँ, और बाकी 80 में किस किस को क्या? 80 में सब जने, भरत को मिले कम से कम 60% वोट, बाकी। अच्छा, किसी प्रत्याशी के बारे में जानने से ज़्यादा हमारी सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो समस्याओं पर रहता है गांव की। गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, जो पहले सरपंच रहे हैं उनने कितना काम कराया, या जिसको पहले जिला पंचायत सदस्य बना के निकाला यहाँ से आपने, उनने कितना काम कराया? गांव की समस्या जी रही है कि गांव का सरपंच है तो मगर गांव के आदमी ने कोई विकास नहीं करवा पाया, आन गाँव के ने गाँव में काम किया वही गाँव का पैसा ले गए लूट के, और फर्जी काम हुए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फर्जी काम हुए।
चाचा है, चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम है परवल सिंह यादव, ग्राम पंचायत बीसागर के निवासी हैं। उम्र क्या है, काम क्या करते हैं? काम अपन कृषि, खेती बाड़ी का काम है। खेती बाड़ी में क्या क्या समस्याएं आ रही है इस समय? खेती बाड़ी में तो बारिश हो जाए तो फसल हो जाए, तो बारिश ना हो तो फसल ही नहीं। सिंचाई के लिए और क्या साधन है? सिंचाई कैसे कैसे खेतों में होती है? पानी के अलावा, बरसात के मौसम के अलावा? बरसात के मौसम में मूंगफली है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे बरसात का मौसम ये चल रहा है, पानी बरसेगा, लेकिन गर्मी और सर्दी में कैसे पानी लगता खेतों में? सर्दी और गर्मी में उंगन से लगा साफ। हाँ, मोटा। नहर नहर की कैसी क्या व्यवस्था? नहर की तो साफ ऐसी है, अगर भर जाए तला तो हो जाए फसल, और ना भरे तो नहीं होती फसल। ये है। ये क्या नाम है आपका? अंकुश यादव। अंकुश क्या करते हैं? अभी तो स्पीकिंग करते हैं। क्या स्पीकिंग? स्पीकिंग किस चीज की? वैसे ही किस चीज की स्पीकिंग समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं तो क्या लग रहा है गांव में क्या क्या काम होने चाहिए, क्या बाकी रह गए हैं, किन किन समस्याएं हैं गांव में? गांव में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो ऐसा है कि जो भी गांव में सरपंच बनता है तो वो पहले अपना सोचता है कि अपना हो जाए, दूसरों के बारे में कम सोचता है, और विकास भी थोड़ा कम करवाता है। और जो है कि बहुत सारी समस्याएं अभी, ना तो पानी, जैसे पानी नहीं बरसेगा तो कुओं में पानी नहीं होता, तो पानी खेती किसानी भी नहीं होती, और अगर पानी बरस गया तो बोले कुओं से होता है, और नहर महर का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ लाइट की, पानी की और सड़कों की कैसी क्या व्यवस्था है? यहाँ से बहुत खस्ता हालत है इस गांव की, क्योंकि बहुत दिन से पानी आया नहीं, ना तो पाइपलाइन है पीने के लिए, आदमी को बहुत दूर दूर से पानी के लिए जाना पड़ता है, परेशानी है। जिनके ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो सक्षम है, जो नहीं है उनके पास नल सरकारी लगे नहीं है, खराब पड़े हुए हैं, कोई सुनता नहीं है, बस यही समस्या है। जो अपना युवा है उसे चाहता है कि युवा बने, वो आगे तरक्की की ओर जाए, युवाओं को रोजगार दे सके, कुछ काम करा सके इस गांव के लिए। इसके लिए युवाओं को चाहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति को यहां पर जिला। पढ़े लिखे यहां कितने प्रत्याशी हैं, युवा कितने प्रत्याशी हैं? लगभग पढ़े तो सभी हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी। कितने प्रत्याशी? युवा तो तीन ही चार प्रत्याशी युवा है, लेकिन सबसे कौन कौन से प्रत्याशी हैं? भरत यादव हैं एक, पुष्पेंद्र यादव युवा हैं, और युवा तो अपने कृष्ण गोपाल भी हैं, मतलब युवा प्रत्याशी सभी हैं, लेकिन सबसे युवा भरत हैं, और वे अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं, सब नो बैठते हैं, सबकी बातें सुनते हैं। आप बूढ़े नो बैठ लो चाहे जवान नो बैठे, युवाओं से सुनते हैं, मिलते हैं उनसे, हालचाल जानते हैं, यही होता है अपने। चाचा क्या है आपके हिसाब से क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? समस्या तो अब जैसे वैसा कम हो रही कि तालाब भर नहीं रहा है, हैं तो आदमी अब जनता है तो जनता बिना पानी से कुएं में थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा रहो, वो तो अपने गुजारो चल रहा। चाचा बोट को समय आ गया है, बोट डल रहे हैं जी, इतनी आपकी समस्याएं हैं जी। नितिन सैनी का प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, अभी कहता इसको सुनते ही नहीं है, फिर वोट डाल के क्या करे? अब वोट तो फिर परिवस्ती में डालने ही डालने हैं, मतलब अपन को भय तो रखने नहीं, कुगे अपन को दे नहीं आगे, तो इसलिए नहीं जी को भी देने तो उसे क्या हो कि हमारी समस्या है, उनसे कह तो भी जाकर हम सुनेंगे, और फिर बस फिर अपना काम बन जाता है, सुबह फिर नहीं आता, फिर नहीं आती। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार अहरवाल। आपको क्या लग रहा है अहरवाल साहब, आपकी समाज के भी अच्छे खासे वोट है यहाँ? जी सर। अहरवाल समाज का क्या रुझान है इस गांव से? यहाँ हम जेरा खास पंचायत के हैं, बीसागर के नहीं हैं, वहाँ पर 90% वोट नीलम भरत यादव को जाएगा। भरत यादव क्यों? भरत यादव की क्या गारंटी है कि जो पहले आपने जिला पंचायत जिसको बनाया है कुशवाहा जी को, वो तो 5 साल दर्शन नहीं दिए, 7 साल वोट लेके, भरत यादव की क्या गारंटी है कि वो जनता के बीच आएंगे जीतने के बाद? उनकी ये गारंटी है कि कम से कम 5 वर्षों से, जो माने 8 वर्षों से जो पंचायती चुनाव हुआ था, इससे वो हमारे पंचायत में लगातार काम कर रहे हैं, और लोगों से संपर्क रहता है उनका, और छोटी मोटी समस्याएं, बड़ी से बड़ी समस्याएं वो सब सुलझाते हैं। इसलिए हमारे समाज का मत है कि उनको कम से कम 90% वोट मिलेगा हमारे समाज। क्या नाम है? केशव यादव। केशव यादव। हाँ यादव जी बताओ, केशव का पोजीशन है? जो पोजीशन है सर,
आवास वावास आ रहे हैं, किसी के आते हैं आदमी, आ भी जाते हैं तो अभी कटवा देते हैं आदमी। कौन कटवा देता है? अब नेता लोग है जो जिसमें अब मैं जानते नहीं है किसने कटवा किया है, अभी भी नौ आ गए तो अभी कटवा दे। का चाहू तो अपन जगह सब जन के हो चे आवास ऐसा। हाँ और का का समस्या है गांव में? वह समस्या वो सब बढ़िया है जो नल पानी नहीं हो रहा है, पानी की दिक्कत है, बस खेती बेती बाड़ी। जिला पंचायत के चुनाव में का लग रहा हो की में बढ़िया फाइट हुई है? जिला में तो अब जो भरत यादव चल रहे, भरत यादव से फाइट हुई है, उनकी बहुत सब फाइट है यादव लोग इनसे हर बार से सबसे। अच्छा ये है तस्वीर यहाँ की। क्या में पड़ा? नौ में। वोटर हो पाए? वोटर तो हो गए। वोटर हो गए? कितनी उम्र हो गई? 18 साल। 18 पूरी? 10 मतलब 10 में पढ़ने हैं। अब 10 में पढ़ने हैं तो अब तुम्हें क्या लग रहा हो नए हो? पहली बार वोट करो? हाँ पहली बार। पहली बार? पहली बार का सोच के वोट कर रहे? जो सोच के वोट कर रहे कि भैया भरत यादव को जिताएं। काहे जिताओ? जिताओ काहे? जिताएं इसे के वो सही आदमी है। कैसे मान लो सही आदमी है? वो जो उसका मतलब बिलात को 6-7 साल से संपर्क में है, हर एक आदमी की सुनता है और कोई तो सुनता नहीं। तो मैं खुद जानत के नहीं जानत? जानत है। फोन लगाओ बात सुने कि हमारे गाँव में जा समस्या है। सुन लो अभी फोन लगाए आप? आप कहेंगे फोन लगाए बताओ आपको? नहीं नहीं तो इतने बिल्कुल फोन नहीं लगाओ, अकेले में लगा लीजिए। लेकिन गांव की समस्या है, पानी की समस्या है। कितने पड़ गए, कितने जाने पड़े 10 में? पृथ्वी पर? पृथ्वी पर? पृथ्वी पर कितनी दूर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पड़ गया। इतने कहाँ तक स्कूल है? 8 तक। 8 तक है? 8 तक ये वीर सागर गाँव में स्कूल है। एक जो चाचा है, चाचा एक ही का कहानी है जो राजा वीर सिंह जूदेव ने जो मंदिर बनवाओ तो राधा कृष्ण को का कहानी? अब मैं तो किसने कहा है अकेला मंदिर राधा कृष्ण का नहीं है, अकेले कृष्ण भगवान का मंदिर है। अकेले कृष्ण भगवान का मंदिर? अकेले कृष्ण भगवान का मंदिर है। और जो यहाँ हमारे यहाँ जब ताला बंधा है जी ताल, और जब वो ताल बंधा उसी ताल का जो बनान है उसी बनान पे जी मंदिर बना है। और हम लोगों को तो हाँ कोई हम लोगों के तो जन्म नहीं थे, वो होगा बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। हाँ ओरछा के मंदिर से भी पुराना है? हाँ ओरछा के मंदिर से भी पुराना है ओरछा और अपने वीर सागर को। और जो तमाम गांव में हम गए हैं वहां पुष्पेंद्र यादव और भरत यादव के बीच में जो फाइट समझ में आ रही थी यहां बदल गई है। यहां पुष्पेंद्र यादव का नाम पीछे छूट गया है, तीसरे नंबर का प्रत्याशी बताया जा रहा है पुष्पेंद्र को, जबकि दूसरे नंबर पर पुष्पेंद्र की जगह यहां गजराज यादव ले सकते हैं। इसका एक कारण ये है कि गजराज यादव इसी गाँव के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि भरत यादव इस गाँव के ना होते हुए भी यहाँ भी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन और भी तमाम गांव में जाके और सियासी समीकरण यहां के समझने का प्रयास करेंगे कि और किन किन गांवों में किसकी बढ़त नजर आ रही है, किसका मौसम समझ में आ रहा है, किसका माहौल समझ में आ रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।